हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आई एम योर होस्ट और दोस्त नीलम मित्तल। आई वेलकम यू ऑल एंड आई होप दैट यू ऑल आर हेल्दी एंड सेफ। फ्रेंड्स, हम सभी अपने करियर और लाइफ में सफलता पाना चाहते हैं और हम ये भी जानते हैं सक्सेस पाने का रास्ता मेहनत की राह से होकर ही गुजरता है और उस मेहनत को हम एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं। क्या हो कि अगर कोई सक्सेसफुल व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस को हमसे साझा करे और अपने जीवन के सभी अनटच पहलुओं के बारे में हमें बताए। इस टॉक शो की सीरीज में हम आपको फेस टू फेस कराएंगे कुछ ऐसी ही जानी मानी एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस वर्ल्ड की हस्तियों से, जिन्होंने ना ही केवल अपने फील्ड में सक्सेस ली है, साथ ही में अपनी सोशल रेपुटेशन को भी बनाया है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मूविंग टूवर्ड्स इम्पोर्टेंट पार्ट, बट उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी मेरे पार्टनर्स इन क्राइम का, डॉक्टर दिव्य रूप रॉय, जो कि पेशे से एक ऑर्थोडॉन्टिस्ट है। हेलो एवरीवन, नमस्ते। और मिस्टर मोनू जैन, जो डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस करते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्ते। और साथ में मैं आपकी अपनी नीलम मित्तल। नाउ we present to you a wonderful talk show, the Troika Show. जो आसमानों की बुलंदी को छूने का हुनर रखते हैं, ये वही लोग हैं जो जमीन की जानिब सर रखते हैं। आज हम इस शो का आगाज जयपुर शहर की एक ऐसी ही हस्ती के साथ कर रहे हैं जो कि स्टॉक मार्केट और फाइनेंस इंडस्ट्री में एक जाना माना चेहरा है। जी बिजनेस के बेहतरीन और लोकप्रिय एनालिस्ट, द वॉइस ऑफ स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री, मिस्टर संदीप कुमार जैन। ही इज अ मैनेजमेंट ग्रेजुएट फ्रॉम केजे सोमाया मुंबई इन फाइनेंस एंड इज द को फाउंडर ऑफ वन ऑफ द लीडिंग इक्विटी एंड कमोडिटी ब्रोकरेज हाउस इन इंडिया, ट्रेड स्विफ्ट। ही हैज गॉट वेरियस एक्लेड्स इन दिस फील्ड and is one of the most loved and respected stock market analyst and has one of the most followed Twitter handle of Jaipur. We welcome you, sir, to the Troika Show. Thank you so much. It was really interesting the way you have introduced me, Divya Roop and Neelam ji. Amazing beginning you have done. And Monu, tum log tino ko in fact, congratulations. And it's a great initiative. You know, it will be a great learning experience for everyone because you have started something, you know, with the entrepreneurial journey of some entrepreneurs. I may not be that successful, but certainly my journey was very interesting and I would love to share my journey with you all. And I think aage interview mein jo bhi aap log puchenge, let's see, it adds value to all our viewers and listeners. थैंक यू सो मच संदीप जी फॉर बीइंग ऑन आवर शो। सो शुरुआत करते हैं पार्ट वन की, जो आपके एंटरप्रेन्योर जर्नी के बारे में होगी। तो आज आपकी जिंदगी के कुछ पहलुओं के बारे में, आपकी एंटरप्रेन्योर जर्नी के बारे में, कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में, कुछ फन फैक्ट्स अबाउट यू हम जानना चाहेंगे। तो शो की शुरुआत करते हैं। देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड एवरी एस्पिरेशन एंड वी वुड लव टू लिसन टू योर स्टोरी of becoming a stock broker and one of the most famous and loved stock analyst. आपने जहां कहां से अपना करियर स्टार्ट किया और आपको स्टॉक मार्केट में आने की इंस्पिरेशन या मैं कहूंगा प्रेरणा कहां से मिली? I started in class 11 and that was my mother. In fact, मेरी मम्मी ने बहुत मुझे मोटिवेट किया और हमेशा से मैं मेरी मम्मी के जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल्स है उनसे बहुत सीखा है। मैंने मेरे पापा से डिसिप्लिन और परसिवियरेंस सीखा और हार्डवर्किंग एटीट्यूड सीखा, बट मेरी मम्मी से मैंने जो फाइनेंशियल वर्ल्ड के कुछ चीजें हैं, कुछ पहलू है वो सीखा और उन्होंने मुझे लिटरली क्लास 11 में कुछ पैसे दे दिए, ये 20,000 रुपए हैं, इसको तुम इन्वेस्ट करो। सो आई इन्वेस्टेड इन अ शेयर कॉल्ड रिलायंस दैट टाइम। फिर मैं धीरे धीरे ट्वेल्थ में मैंने थोड़ा छोड़ दिया क्योंकि ट्वेल्थ में मुझे पढ़ाई करनी थी, परसेंटेज लाने थे। ये एक चीज मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि पढ़ाई के साथ जल्दी से कोई भी दूसरी चीजों को मर्ज नहीं करना चाहिए। पर्टिकुलरली आप कोई भी अगर स्टॉक मार्केट में आते हैं तो यहाँ पे एक
एडिक्शन वाला एलिमेंट भी है जो कि लोग भूल रहे हैं। और इस लॉकडाउन में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोगों के व्यूअर्स के, फॉलोअर्स के, या जो भी मेरे टीवी पे फॉलो करते हैं या ट्विटर पे फॉलो करते हैं, उनके जब क्वेश्चंस आते हैं तो आई रियली गेट स्केयर्ड। तो फिर मैंने 12th में छोड़ा, फिर अगेन आई वेंट टू मुंबई। उस टाइम पे देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि तुम 3 साल ग्रेजुएशन करोगे, 2 साल MBA करोगे, 5 साल है, 5 साल में तुम्हारे ये खर्चे होने वाले हैं, मंथली एक्सपेंस। मैं काम करती हूँ, तुम्हें मैं कैपिटल देती हूँ, एंड व्हाई नॉट यू गेट इनटू द मार्केट्स। एंड मैंने वो कैपिटल लिया एंड आई स्टार्टेड विद IPOs, एक प्राइमरी पार्टिसिपेशन इन मार्केट्स होता है, और मैंने धीरे धीरे IPOs में एंट्री ली। फिर उस दौरान मुझे ऐसा लगा कि मुझे स्टॉक मार्केट में रहना चाहिए, एंड आई रियली यूज टू लव डेटा, और सबसे इंपॉर्टेंटली इकोनॉमिक टाइम्स को पढ़ने का एक मेरा नशा था। मैं पढ़ने लगा, कंपनीज के बारे में जानने लगा, फिर मुझे प्रमोटर्स के बारे में, लोगों के बारे में, क्विजिंग एटीट्यूड, मेरा शुरू से मुझे क्विजेस का बहुत इंटरेस्ट था। एंड आई डिड माय ग्रेजुएशन इन फ्रॉम मिठीबाई कॉलेज, तो वहां पे भी मैं क्विज में रिप्रेजेंट किया। गुवाहाटी कॉमर्स कॉलेज में आई वाज ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग द कॉलेज इन क्विज टीम्स एंड ऑल। सो इन सब चीजों से एक बहुत अच्छी मुझे ये मिली कि नॉलेज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और नॉलेज के लिए जो एक एपिटाइट होनी चाहिए वो सबको बहुत जरूरी है होना। और मैंने फिर उसी क्रम में बीकॉम सेकेंड ईयर में जब था तो आई ज्वाइंड अ कंपनी कॉल्ड मोड, और जो इन्वेस्टर्स गाइड के साथ, जो इकोनॉमिक टाइम्स का एक सप्लीमेंट आता है इन्वेस्टर्स गाइड, वहां पे मैंने सीखा कैसे टेलीफोनिक इंटरव्यूज लेते हैं। और वो एक स्किल था मेरा, जो टेलीफोनिक इंटरव्यूज, टॉकिंग टू ऑल द बिग नेम्स ऑफ द स्टॉक मार्केट्स, और उनसे क्वेश्चन पूछना, एक पर्टिकुलर क्वेश्चनियर को भरना, भले ही बहुत छोटा पैसा मिलता था मुझे, बट दैट वॉज सो एक्साइटिंग एंड दैट वॉज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। तो फिर वहां से मेरा स्टॉक मार्केट का एक एक्चुअल जर्नी शुरू हुआ। फिर मैं MBA के दौरान किया, और वहां पे मैंने काफी लॉस किया। इनफैक्ट मैं और मेरी मम्मी मिलके एक अच्छा खासा अमाउंट लूज किए 97-98 में, एंड आई समहाउ स्टॉप डूइंग इट। एंड देन मिस्टर रमेश दमानी, जिनके पास मैं गया था, उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, यू शुडंट डू ट्रेडिंग लाइक दिस, यू शुड फर्स्ट अक्वायर नॉलेज, यू शुड हैव अ वेरी बिग डिसिप्लिन्ड अप्रोच। 2002 में हम लोगों ने फ्रेंचाइजी ली ICICI डायरेक्ट की, एंड देन 2003 में वी स्टार्टेड ट्रेड स्विफ्ट विद माई पार्टनर निशांत जैन एंड मिस्टर महेंद्र बैद, और एक बहुत ही ब्यूटिफुल जर्नी है। एंड देन नो लुकिंग बैक, एंड नाउ वी हैव अराउंड 32,000 क्लाइंट्स एट ट्रेड स्विफ्ट, एंड वी आर इन टू ऑलमोस्ट ऑल द वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स एंड डूइंग वेरी वेल। एंड आई थिंक अक्रॉस इंडिया वी हैव गॉट क्लाइंट्स एंड गुड HNI क्लाइंट्स एंड गुड नंबर ऑफ स्टेट्स वी हैव कवर्ड। सो सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। वी ऑल नो एंटरप्रेन्योरशिप is an experimental journey. तो आपके हिसाब से क्या skill sets या किस प्रकार का attitude shift चाहिए होता है एक successful entrepreneur बनने के लिए? एक successful entrepreneur बनने के लिए एक चीज जो सबसे ज्यादा मुझे important लगी हुआ है, attitude। देखिए, it is 80-20 in everything. एक low Pareto बोलते हैं इसको, 20% is aptitude and 80% is attitude. सो लाइक लोगों को लगता है कि इंटेलिजेंस इज द की टू सक्सेस, ऐसा नहीं है। इंटेलिजेंस के अलावा आपका जो एटीट्यूड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्टीट्यूड बाद में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये दोनों का एक अच्छा जुडिशियस ब्लेंड होना पड़ेगा, कॉम्बो होना पड़ेगा। फिर आप जो करते हो बहुत जबरदस्त तरीके से आप उसमें डेडिकेटेड होना पड़ेगा, आपको अपना कॉमन सेंस अप्रोच बहुत जबरदस्त लगाना पड़ता है, और हर जगह आपको डिसिप्लिन, परसिवियरेंस, हार्डवर्किंग एटीट्यूड, ये सब करेंगे और हारना नहीं है। मुझे जो सबसे बड़ी सीख जो मिली, मैंने 98 में, मैंने एक तरीके से मैंने बहुत टफ रास्ता चुना था कि आई डिडंट गो फॉर अ गुड जॉब विच आई कुड हैव इजीली मैनेज बिकॉज डूइंग एन MBA फ्रॉम अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट। तो मुझे जॉब मिलता, मेरे बैचमेट्स सब लोग बहुत अच्छे आज पोस्ट पे भी है, बहुत अच्छे पैकेजेस पे, आई थिंक करोड़ प्लस पैकेजेस पे लोग आज जॉब कर रहे हैं, और उस टाइम पे मुझे भी बहुत अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज और ऑफर्स आ रहे थे। बट I chose the tougher way of, you know, getting into the entrepreneurship or business directly, जो कि मुझे ऐसा लगता है, hindsight में जाता हूं तो मुझे लगता है कि directly business में नहीं आना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको एक work ex जरूर से लेना चाहिए, जिस फील्ड में आप लेना चाहते हो, जो ड्रीम आप देखते हो, उससे रेलेवेंट कोई एक्सपीरियंस 1-2 साल का लेना चाहिए। बट कई बार ऐसा भी होता है कि आप ज्यादा खुशी जॉब में रहते हो और ज्यादा आप जॉब का आपके नशा हो जाए और आराम से कमाई आती है सैलरी, तो कहीं ना कहीं आपका जो अंदर का जुनून, आपकी जो जील है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है, तो वो भी नहीं होने देना है। सो यू हैव टू बी वेरी बैलेंस्ड इन लाइफ। तो मुझे ऐसा लगता है कि
एटीट्यूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन डूइंग व्हाटएवर यू आर डूइंग एंड हार्ड वर्किंग एटीट्यूड चाहिए, हारना नहीं है। एंड सबसे इंपॉर्टेंटली जो मैंने इस पूरे 3-4 साल मैंने बहुत स्ट्रगल किया था एंड उस दौरान काफी लोग डिस्करेज भी करने आते हैं, तो डिस्करेज नहीं होना है, अपनी जो भी गोल्स हैं उस पे कायम रहना है और उसके लिए जो भी नॉलेज गेन करनी है, जो भी एक्सपर्टीज गेन करनी है, वहां पे कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। सो सारी चीजों का एक अच्छा एक कॉम्बिनेशन है, बट इट इज अ वेरी टफ जर्नी। आई मस्ट से दैट एंटरप्रेन्योरशिप और कोई भी चीज क्रिएट करना और खड़ा करना, उसमें बहुत सारी चीजों का एक पूरा एक मिश्रण है ये। सो वन हैज टू वर्क टुवर्ड्स इट एंड देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, दैट्स फॉर श्योर। Wonderfully answered, Sandeep ji. So I think you have clearly told that yes, it is a big experiment, and that aptitude is very important when you have that attitude shift which is going on. So, अगले question पे चलते हैं. There is a lot of failures on the way to success. So, how many failures have you faced in your life? Kindly inspire us by sharing some of your major ones. देखिए मैंने when I did my MBA. I started with, you know, herbs, जड़ी बूटियों का business, and you know that was, आज हर आदमी जड़ी बूटी की बात करता है, गिलोय की बात करता है, you being a doctor, you must be knowing about all these things, and मैं naturopathy से थोड़ा inclined था, और इन सब के तरफ जब मैं inclined था, yoga, ayurveda, तो मैंने herbs का business start किया, और naturopathy की वजह से मैं इसमें घुसा, but herbs के business में मुझे जो समझ में आई बाद में कि मैंने 2-3 साल बहुत मेहनत की और कहीं ना कहीं कैपिटल वॉज अ वेरी बिग इशू और मैं मेरा कैपिटल को ठीक से मैनेज नहीं कर पाया। अगेन मैं लास्ट क्वेश्चन में एक चीज ऐड करना चाहूंगा आंसर में, जो क्वेश्चन था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखना बहुत जरूरी है, और आज मेरे पास बहुत सारे इंटर्न्स आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, रिलेटिव्स के, फ्रेंड्स के, सबके किड्स आते हैं, उन सबको सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि फाइनेंशियल एडुकेशन सीखना बहुत जरूरी है और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो मैं उस चीज को ठीक से मैनेज नहीं कर पाया, मैं कैपिटल को मैनेज नहीं कर पाया, और मुझे ये बाद में समझ में आई कि इट इज अ वेरी वेरी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस, और जो हर्ब्स को मैं लेके एक्सपोर्ट करने की बात कर रहा था, तो कहीं ना कहीं मेरी जो प्रॉब्लम थी वो थी कैपिटल, जो कि मैं एक लेवल तक तो लगा सकता था, बट बाद में मेरे पास कैपिटल शॉर्ट हो गई थी। देन आई रियलाइज दैट यू नो व्हाई नॉट आई गेट समथिंग इनटू यू नो वेयर विच रिक्वायर्स ह्यूमन कैपिटल, और मेरे पास एक मेरी पर्सनैलिटी थी, एक नॉलेज थी, एक मेरे बैकग्राउंड में एक अच्छी डिग्री थी, तो मुझे लगा कि वाई नॉट आई गेट इन टू समथिंग लाइक फाइनेंशियल सर्विसेज। तो एक वो बिजनेस था, और मैंने साथ में एक इंफॉर्मेशन सर्विसेज का बिजनेस आस्क मी की मैंने फ्रेंचाइजी ली थी, जो बॉम्बे की एक ब्रांड थी, जो बाद में उसकी स्टोरी अलग है कि उसको गेट इट ने टेक ओवर किया, फिर आस्क मी का नाम उन्होंने टेक ओवर किया, अब वो दिखती नहीं है, इट इज नॉट एग्जिस्टिंग, बट देन समहाउ उस आस्क मी का जो ब्रांड था उसकी मैंने फ्रेंचाइजी ली, उसमें हम लोगों ने पब्लिकेशंस निकाले। बट मेरे साथ एक जो प्रॉब्लम हुई, जो मुझे अब रियलाइज होता है और मैं लोगों को समझाना चाहता हूं, कि दो नाव पे सवार नहीं होना चाहिए। आप एक साथ जिस बिजनेस में, अगर मैं हर्ब्स में ही घुसा हुआ रहता तो आज 2020 में 21 में वो बहुत बड़ा काम होता, बट स्टिल नो रिग्रेट्स इन लाइफ। जो भी था, तो मैंने 2000 में मैंने हर्ब्स पे थोड़ा फोकस कम किया, इंफॉर्मेशन सर्विसेज में आए, जहां पे मुझे लगा कि मैंने जब वो टेक ओवर फ्रेंचाइजी ली तो मुझे लगा कि मैंने कहीं ना कहीं मरा हुआ सांप गले में लटका लिया, और लेते ही विद इन अ मंथ्स टाइम मुझे लगा कि ये बिजनेस इस तरीके से रन नहीं होगा। देन आई वॉज वेरी फ्लेक्सीबल एंड आई ट्विक्ड द होल मॉडल एंड आई गॉट इनटू ऑफलाइन बिजनेस ऑफ पब्लिशिंग डायरेक्टरीज। तो डायरेक्टरीज और ऑफलाइन ऑनलाइन को मिक्स किया, एंड दैट ऑल्सो वॉज अ बिजनेस अहेड ऑफ टाइम्स। उस टाइम पे लोग 2006-07 में जस्ट डायल आई थी और ऑनलाइन हुआ, बट मैंने वो काम तब किया, हर्ब्स को भी मैंने तब किया। सो आई ऑलवेज हैड दैट थॉट ऑफ यू नो थिंकिंग अहेड ऑफ टाइम्स। मैं ये नहीं बोलता कि मैं ही सोचता हूँ, बाकी लोग भी सोचते होंगे, बट मुझे ऐसा लगा जो मेरी विसिनिटी में जितने भी लोग हैं उन सबसे मैंने हट के कुछ सोचने की कोशिश की। फिर उस दौरान ही आस्क मी में से ही मुझे कुछ असाइनमेंट्स मिलने लगे ICICI डायरेक्ट में, और वहां से मैंने ये फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस सोचा। तो अगेन अब मेरे साथ क्या हुआ कि मैं 3-3 नाव पे सवार हो गया, तो वो एक प्रॉब्लम थी। फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि नहीं, आई शुड बी फोकस्ड ओनली ऑन वन बिजनेस, दैट इज ट्रेड स्विफ्ट, एंड ट्रेड स्विफ्ट मैंने पार्टनरशिप में स्टार्ट की। सो फाइनली ये समझ में आया कि जो करो और जो पैशन है, कहीं ना कहीं आप ऑटोमेटिकली उस बिजनेस तक पहुंच जाते हो। और आप लोग भी जो आज कर रहे हो सकता है कि देखिए आप डॉक्टर हैं, बट जो इस तरीके से मैं आपको सुन रहा हूँ, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, नीलम जी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मोनू जी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक
ये कहीं ना कहीं आप लोग के हिडन इंस्टिंक्ट था जो सामने आया एंड यू आर डूइंग सच अ ब्यूटीफुल इंटरव्यू. आप पहुंच जाते हो अपनी मंजिल पे, बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए. Absolutely. Thank you so much, Sandeep ji. That was super insightful, and I think हमारे दर्शक इसको definitely बहुत पसंद करेंगे. So last two questions of this section. Who all have been your pillars of strength in your entrepreneur journey? Family, friends, या कोई ऐसा जो आपका आपके साथ हमेशा खड़ा रहा और आपका हाथ पकड़ के आपको ऊपर खींचा? No, it was certainly my family, and मैं नहीं भूल सकता जिस तरीके से मुझे मेरी मम्मी ने मोटिवेट किया लाइफ में. एट एवरी स्टेजेस ऑफ माय लाइफ, बीट यू नो 11th में जब मैं पहली बार शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, या जब मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में था, देन व्हेन आई इन्वेस्टेड इनटू इक्विटी मार्केट्स थ्रू आईपीओ, सेकेंड ईयर में मैं सेकेंडरी मार्केट यानी कि डायरेक्ट शेयर परचेज किया, मुझे याद है डॉक्टर रेड्डीज, या फिर मैं ग्रेजुएशन में था, एमबीए में था, तो हमेशा से कहीं ना कहीं मम्मी का ये रहता था कि बिजनेस करना है और अच्छे से सीखो अलग अलग वो चीज. तो मुझे मेरी फैमिली ने बहुत हेल्प किया. देन माय फादर वाज ऑलवेज यू नो प्लेइंग अ वेरी बिग रोल ऑफ मोटिवेटिंग मी एंड नॉट इंटरफेयरिंग इन माय ड्रीम्स. सो दैट वाज आल्सो अ वेरी बिग रोल व्हिच ही हैज प्लेड. नहीं तो क्या होता कि आप इंटरफेयर करके कई बार आपके ड्रीम्स या गोल्स, या ही हैड फुल कॉन्फिडेंस इन मी दैट ओके ही हैज दैट ज़ील एंड ही हैज लर्न समथिंग, ही हैज गॉट दैट एक्सपोजर, और उन्होंने मुझे एक्सपोजर बहुत दिया. मैं एक छोटे से टाउन से हूँ नलबाड़ी से, फिर मैं गुवाहाटी गया, फिर मैं बॉम्बे गया. तो वो जो जर्नी थी इस दौरान जाना भी बहुत बड़ी बात होती थी, और वहां पे पहुंचाना वो मेरे पेरेंट्स का एक वो था कि नहीं मुझे जाना है, इसकी इच्छा है, इसको भेजना है. तो वो एक बहुत बड़ा एक वो था, और वहां मैंने बहुत सीखा. बॉम्बे में जो एक्सपोजर है, बॉम्बे आज का जो बॉम्बे है, आज देखिए ऑनलाइन वर्ल्ड की वजह से जो डिफरेंसेस है वो काफी ब्रिज हो गए हैं, जो गैप है. आज जयपुर बॉम्बे में बहुत फर्क नजर नहीं आएगा, बट आज से 20 साल पहले जयपुर और बॉम्बे में उतना फर्क था जितना बॉम्बे और न्यूयॉर्क में होगा. आज तो बॉम्बे और न्यूयॉर्क में भी नहीं. सो द ऑनलाइन वर्ल्ड हैज रियली मेड थिंग्स डिफरेंट. आज देखिए हम एक ही शहर में हो सकते थे एक साथ बैठे, मगर आज एक ही शहर में अलग अलग जगह बैठ के अपन इंटरव्यू कंडक्ट करें, एंड सो ब्यूटिफुली वी आर डूइंग इट. सो माई फैमिली, देन माई वाइफ रियली सपोर्टेड मी अलॉट, देन माई यंगर ब्रदर ऑल्सो सपोर्टेड मी अलॉट. सो द होल फैमिली वॉज देयर विथ मी. द बेस्ट पार्ट वॉज एवरी वन हैड कॉन्फिडेंस इन मी. So that was the best thing which I got my from my family, and they supported me throughout, and bhale wo financially ho ya emotionally ho, so every time I was being supported. And then I got some mentors also during my life, and bhale wo stock markets mein ho to mujhe kuch mentors mile. Fir mere relatives immediate family ke baad bhi mere suppose bade papa hai ya mere chacha hai, mere cousins hai, wo log ne bhi help kiya. So I was very lucky that you know I have got help from everyone. Maybe because you know कुछ कई बार ऐसा होता है कि आपकी कोई पर्सनैलिटी होती है, या आपका कहीं ना कहीं कोई एक कुछ किस्मत भी होती है, कोई कर्म होते हैं जो आपको सब लोग हेल्प करने के लिए रेडी थे. तो शायद मुझे लोगों ने बहुत हेल्प किया, एंड मैंने काफी हद तक उन चीजों को फायदे में लेते हुए काफी कोशिश करते हुए इस जर्नी तक तो मैं पहुंचा कि आज मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत सक्सेसफुल हूँ, बट सर्टनली आई एम अ वेरी वेरी सेटिस्फाइड. एंड जो भी मैं कर रहा हूँ, मैं मेरा पैशन का फॉलो कर रहा हूँ, and I'm very happy with whatever I've done. So beautifully answered, sir. So ये आपने parents और kids दोनों के लिए एक बहुत अच्छा answer दिया है कि parents should always trust their kids, and kids should always have that passion and zeal so that parents can trust them. Wow. So I think the part one finishes here with such a wonderful journey and description, and हमारे दर्शकों को स्पेशली जो एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो बनना चाहते हैं, सबके लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक आपने अपनी जर्नी बताई. सो लेट्स मूव ऑन टू बहुत टफ एंड बहुत सीरियस टॉक्स हो गई. सो लेट्स गो मूव ऑन टू सम गुड ओल्ड डेज सेक्शन, एंड आई वुड लाइक टू इनवाइट माय पार्टनर इन क्राइम मिस नीलम मित्तल नाउ. थैंक यू डॉक्टर दिव्यरूप रॉय. So, कुछ पंक्तियां मैं अर्ज करूंगी तो समझ में आएगा कि इस शो का फ्लो हम किस तरफ लेके जा रहे हैं. कागज की कश्ती थी, पानी का किनारा था. गौर फरमाइएगा, कागज की कश्ती थी, पानी का किनारा था, खेलने की मस्ती थी, ये दिल आवारा था. कहाँ आ गए इस समझदारी के दलदल में, कहाँ आ गए हम समझदारी के दलदल में, वो नादान बचपन भी कितना प्यारा था. तो मिस्टर संदीप,
अभी तक आपने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी की बहुत अच्छी सक्सेसफुल जर्नी हम सबसे शेयर करी। अब कुछ बात उन बातों की करते हैं, यादों की करते हैं जब आप बचपन में नटखट थे और शरारती थे। आपकी मुस्कान बता रही है कि आपका इसमें हमारी तरीके से पूरी तरीके से यस है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम माय साइड कि चिल्ड्रन हैव सम सुपर हीरोज, तो ऐसा कौन सा सुपर हीरो आपकी लाइफ में बचपन में था जिसने छाप छोड़ी, जिससे आप बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड? देखिए मैं बहुत लकी था, इनफैक्ट आई टॉक्ड अबाउट 1985 20th जून ओनली, एंड उस दिन मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी, एंड यू नो इस दिन मुझे एक एक्सपोजर मिला कि मैं मेरी स्कूल को रिप्रेजेंट करूं क्विजिंग में और ये सब में, और मुझे उस टाइम पे एक टीचर मिला, मैं बोलूंगा कि उनसे मैंने बहुत सीखा, उन्होंने मुझे कहीं ना कहीं एक जो स्टेज फ्राइट था स्टेज फियर था उससे कहीं ना कहीं ओवरकम करना सिखाया, फिर क्विजिंग में मेरा इंटरेस्ट डेवलप करवाया, एक्सटेम्पोर स्पीच या एडिटोरियल स्किल्स, तो ये सारी चीजों ने मुझे लाइफ में बहुत हेल्प किया है। कहीं ना कहीं देखिए जो बोलने की स्किल थी मुझे, जो डिबेट्स और एक्सटेम्पोर स्पीचेस थी वहां सीखने को मिला, तो मैं कहीं ना कहीं उनको रियली आइडियलाइज करता हूँ। वो उस टाइम पे भी मैं आज सोचता हूँ कि अगर कोई 22 साल 23 साल का टीचर था और वो इतना क्रिएटिव, इनफैक्ट वो अगर आप उनसे पूछो ड्रामा की बात तो ही विल राइट अ ड्रामा, एक्टिंग उनको सिखानी आती है, डिबेट्स में ही वाज वेरी गुड, क्विजिंग में ही वाज वेरी गुड, सो एट एवरी एक्स्ट्रा करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज ही वाज वेरी गुड, एंड इनफैक्ट आई वाज डूइंग इन ऑल दीज को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वेरी वेल इन माई स्कूल। एक टाइम था मेरी मम्मी जब जाती थी स्कूल में और जब हम लोग को एनुअल फंक्शन में अवार्ड मिलते थे तो 25-25 अवार्ड्स एक साथ मिले हुए हैं एक ही पर्टिकुलर साल में, यस उसमें भी बेस्ट पर्सनालिटी ऑफ द स्कूल, बेस्ट एडिटर ऑफ द स्कूल, बेस्ट लीडर ऑफ द स्कूल, एंड ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मैं वही टीचर जो है उन्हीं से ही सीखा था, सो आई मस्ट अप्रिशिएट दैट उन्होंने मुझे वाकई में बहुत सिखाया एंड रियली आइडियलाइज हिम। फिर मुझे बाद में ग्रेजुएशन के टाइम पे कॉलेज के टाइम पे कोई दूसरे जने मिले, सो एवरी टाइम आई वाज लकी दैट यू नो आई हैव बीन गेटिंग माय मेंटर्स एंड उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, सो दे वर माय सुपर हीरोज, उनसे हर स्पीयर ऑफ लाइफ में कोई ना कोई तरीके से मुझे बहुत फायदा मिला, और आज जो कि मैं टीवी पे बोल पाता हूँ या जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ डेटा की, मुझे जो एक बहुत अच्छी एक मुझे कहूंगा कि मेरा पैशन है या नशा है, इन सब का कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल ये सब प्ले कर रहे हैं मेरे आज के जो भी मैं कर रहा हूँ। Right, he said, Mr. Sandeep, यानी vision, wisdom and knowledge आपने बचपन से गेन करी है। चलो कुछ ऐसी शरारतें बचपन की जो आपके दिलो दिमाग में रह जाती है, लाइक कभी तो खूब मार खाई होगी आपने और उससे बचकर निकल गए होंगे, तो थोड़ा इसके बारे में हमें बताइए। अने कुछ तो ये थी कि कहीं ना कहीं पढ़ाई नहीं करने की आदत थी, दो आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट एंड क्लास में हमेशा रैंक आती थी, बट कहीं ना कहीं ये था कि रोज जो पढ़ना होता है जो एक मैंने लाइफ में मिस किया, बट ठीक है बाद में आई कवर्ड अप इन माई लाइफ, एंड बाद में जब मैं ग्रेजुएशन या MBA तक पहुंचा तो फिर मैंने स्टडीज और बुक्स पढ़ने का और ये सारी जो चीजें उसकी इंपॉर्टेंस समझी, तो यही मैं सबको समझाना चाहता हूँ कि कुछ भी करो वो रेगुलरली करना बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन्ड वे में करना बहुत जरूरी है, तो ये बदमाशियां थी, खेलकूद में बहुत ज्यादा वो होते थे, बट ठीक है खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, तो हमने तो दोनों ही किया और कोशिश कर रहे हैं कि खराब भी नहीं हुए और नवाब भी बनने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब हमेशा बचपन में मार से बच के निकले हैं आप, दैट्स वेरी गुड। चलो हम अब बात करते हैं अपने ड्रीम्स की, जब हम बचपन की लाइफ की जर्नी में निकलते हैं तो उम्र के साथ साथ हमारे ड्रीम्स भी बदलते रहते हैं, तो कुछ उन ख्वाबों के बारे में हमें बताइए जो बचपन में तो देखे थे बट टाइम की इस जर्नी में एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में वो कहीं छूट गए या फिर बदल गए। बहुत ही अच्छा सवाल है, इनफैक्ट ये सवाल मैं बोलता हूँ कि क्लास 8, 9, 10 तक हम लोग ड्रीम करते, मेरा एक बहुत वो था कि मैं IAS ऑफिसर बनूं, क्योंकि मैं क्विज में डिबेट्स में और इनमें काफी आगे रहता था और नॉलेज के लिए बहुत जबरदस्त पैशन था, तो ऐसा लगता था कि व्हाई नॉट आई गेट इनटू IAS, और वो एक पर्सनालिटी डेवलप करने की कोशिश की, जो मैंने मेरे टीचर के बारे में बात की उन्होंने हमेशा से कहा कि आप IAS बनो या स्टेट सिविल सर्विसेज है उसकी कोशिश करो, 10th तक तो ये था। फिर 11th में कहीं ना कहीं देखा जब मैं हॉस्टल में गया तो वहां पे उस टाइम पे MBA वॉज अ वेरी बिग यू नो पासवर्ड एंड बहुत डिफरेंट और बहुत ही अलग लगता था कि कोई MBA कर रहा है, तो क्लास 10 तक मैं IAS ऑफिसर की सोच रहा था, फिर 11th में 12th में आते आते MBA की तरफ मेरा इंक्लिनेशन बढ़ा, फिर MBA के दौरान भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा जॉब करना चाहिए था,
बट मेरा एंटरप्रेन्योरशिप का जो एक बग बोलते हैं या कीड़ा बोलते हैं वो हमेशा से था. सो आई गॉट इनटू एंटरप्रेन्योरशिप. तो आईएएस, फिर एमबीए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना था, बट फाइनली खुद की कॉर्पोरेट खड़े करने की एक ड्रीम बन गई, तो वही आज करने की कोशिश कर रहे हैं. That's very good. Entrepreneurship में ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं कि जो ड्रीम छूट जाते हैं वो छूट गए हैं, वक्त के साथ बदलना ही ह्यूमन नेचर होना चाहिए. अच्छा, लास्ट एक क्वेश्चन और है मिस्टर संदीप. हमने सुना है कि आपको लाइफ के इंसिडेंट्स लाइक डेट और टाइम वाइज याद रहते हैं. मेरा ये मानना है कि अगर कोई डेट हमें याद है, कोई इंसिडेंट्स की हमें डे याद है, तो इट्स अ वेरी मतलब बिग अचीवमेंट. ये कुछ ना कुछ मेमोरी पे ऐसी छाप है जिसकी वजह से आपको ये मेमोरी में आपको हिट करता है, तो इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन? नहीं, मैंने कहीं ना कहीं देखिए अमेरिकन वेज ऑफ मेमोराइजिंग, कुछ मैंने एक बुक पढ़ी थी शुरू में और याद रखने की आदत डाली थी. एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि स्टोरी बनाते हैं, ये ऐसा था ऐसा हुआ, तो उसके हर चीज के साथ कोई ना कोई कोरिलेशन निकालना पड़ता है और चीजों को रिलेट कर दीजिए, तो कोई ना कोई एक जो कोरिलेटेड आइटम है वो आपको याद दिला देती कि अच्छा ये है. मुझे कोई साल अगर याद करना तो उस टाइम पे कौन सी मूवी आई थी, अच्छा उस टाइम पे मैं ये गाने सुना करता था, 1988 में क्या था, 89 में क्या था, 90 में क्या था, मैं 10th में था. तो वो एक धीरे धीरे अगर आप क्लास, मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्लास 5 से लेकर अब तक मेरी पूरी जर्नी को मैं एकदम दिमाग में मेरे बना हुआ है और मैंने कोशिश किया क्रम से याद रखने की. मुझे लगता है कि याद रखना बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. मैं टीवी पे भी कई बार बोलता हूँ कि मैंने 2012 की इतनी तारीख को मैंने ये टिप दी थी, ये स्टॉक बताया था, तो लोग उस चीज को बहुत अप्रिशिएट करते हैं. एंड जनरली पर्सनली भी जब मिलते हैं, आज हो सकता है कि मैं आज आपका ये इंटरव्यू है, 5 साल बाद आप पूछोगे तो आप तो भूल जाओगे, डेट आपको देखना पड़ेगा, बट मुझे ये याद रहेगा. सो इट इज ऑल अबाउट कोरिलेटिंग एंड क्रिएटिंग स्टोरीज एंड बिल्डिंग स्टोरीज इन योर माइंड, तो हो जाता है यार. मिस्टर संदीप, बहुत ही अच्छा हुआ कि शो की आपके हाथ नहीं गई, नहीं तो मेरे को एक डेट के अलावा लाइफ में कुछ याद नहीं रहता, ओनली माय बर्थडे डेट. सो अच्छा है ये. चलिए इसी से कोरिलेट करते हुए एक क्वेश्चन और है कि जब आप अपनी मेमोरी की बात करें तो चाइल्डहुड की ऐसी कोई फेवरेट मेमोरी जो मतलब ईच एंड एवरी डे आपको याद आती है कि हाँ दिस इज माई बिगेस्ट नाइस मेमोरी इन योर चाइल्डहुड? आप देखिए, मेरे 2-3 चीजें थी. द बेस्ट पार्ट वाज यू नो इन क्लास 10, मतलब मुझे एक स्कूल में पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट हो रहा था एंड आई डिड सो वेल दैट कि मुझे टीचर्स आके क्या बोले कि आपको हम प्राइज नहीं देना चाहते हैं. फर्स्ट सेकंड थर्ड देना ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड जिनको देना वो कोई कंपेरिजन में नहीं आ रहे हैं. आई डोंट नो वाई इट वॉज सो गुड. कई बार ऐसा होता है कि आपके सरस्वती विराजमान रहती है, कोई आंसर जैसे मैंने दे दिए उस टाइम पे, इट वेंट सो वेल एंड द पर्टिकुलर डांस और सॉन्ग आई डिड. सो कहीं ना कहीं उन्होंने जब मुझे बेस्ट अवार्ड दिया कि वी विल क्रिएट अ स्पेशल अवार्ड फॉर यू, तो वो अवार्ड मुझे आज तक हमेशा याद रहता है कि वाओ दैट वाज वन थिंग विच इज वेरी मोटिवेटिंग. और फिर जब मैं मिठीबाई कॉलेज गया, जो कि बहुत ही ग्लैमरस कॉलेज है, 18,000 स्टूडेंट्स है, फर्स्ट ईयर में वहां टैलेंट कॉन्टेस्ट होता है, उसमें एंट्री लेने के लिए मारामारी लगती है कि 200 लोगों को पासेस मिलते हैं, तो कुछ साल तो मैं पार्टिसिपेट नहीं किया. बट सेकेंड ईयर में मैंने पर्सनालिटी, मैंने ठाना कि मुझे इसके फाइनल्स में पहुंचना है, और वहां पे टैलेंट कॉन्टेस्ट में पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट होता था और वहां पे बड़े बड़े फिल्म स्टार्स भी पार्टिसिपेट करते थे, जैसे कि आज विवेक ओबेरॉय एक हीरो है, ही वॉज माई बैचमेट एंड ही वॉज ऑल्सो देयर. तो मैं टॉप 7 में वहां पहुंचा. तो कहीं ना कहीं ये 2 एपिसोड जो है पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट, ये हमेशा याद रहते हैं मुझे एंड ब्यूटीफुल मेमोरीज दे आर क्लास 10 में जो हुआ और फिर जो बीकॉम सेकेंड ईयर में जो हुआ मेरे साथ. फैंटास्टिक मिस्टर संदीप. अभी रिसेंटली केस हुआ मिस्टर सुशांत सिंह का, जो अभी हमारे बीच नहीं है. सो आपकी जर्नी में कभी ऐसा फील आया कि जब आपने अकेलापन पाया और सराउंडिंग को सब आप नजर नहीं आया जिसके जाके आप शेयर करें, अगर ऐसा पल आया तो उस पल से आप कैसे निकले, कैसे गुजरे और उस जर्नी को कैसे कट ऑफ करके आज इस जर्नी पर आए? देखिए, सुशांत सिंह राजपूत का जो भी ये घटना हुई बहुत ही दुखद है और इस मुकाम पे आके ऐसा कुछ करना, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कुछ हुआ होगा उनके साथ, मैं नहीं जाना चाहता पूरी डिटेल्स में, बट कहीं ना कहीं थोड़ी थिक स्किन तो होनी पड़ेगी आपको. और एक अकेलापन जो था, और मैंने एक चीज सीखी, कई बार ऐसा होता है कि आप कंपटीशन में रहते हो, स्कूल में रहते हो या कॉलेज में रहते हो, आपको जो आपका इमीडिएट कॉम्पिटिटर है उससे आप हारते हो तो आपको बहुत दुख लगता है, बहुत रोना आता है और आप बहुत ऐसा लगता है कि आप लूजर फील कर रहे हो, बट दैट डज नॉट मीन कि, और वो 2-3 दिन से ज्यादा, देखिए भगवान ने एक टाइमलाइन बनाई है,
लाइफ में मैंने ये देखा, कोई भी चीज बुरी से बुरी होती है उसका 3 दिन में एक वो होता है कि वो चला जाता है, फिर 12 दिन होते हैं, फिर 1.25 महीने होते हैं, फिर 3 महीने होते हैं। तो ऐसे भूलने की एक आदत रखनी पड़ेगी। यू हैव टू टेक थिंग्स एज इट गोज, बहुत ज्यादा सीरियसली हर चीज को नहीं लें। और सबसे इंपॉर्टेंटली है, कोई भी चीज होती है, यू हैव टू शेयर इट विद समवन in which whom you can confide. So Mr. Sandeep, ab hum chalte hain show ke third part. So thank you Neelam ji, and I think can we have all our 4 partners in crime here in the rapid fire round? Thank you so much. So Sandeep ji, hum aapke sath ek rapid fire round khelenge aaj, aur hum sab kuch sawal aapse puchhenge. कुछ सीरियस होंगे, कुछ फनी होंगे, कुछ स्टॉक रिलेटेड होंगे, और आपको एक शब्द या एक लाइन में इनको आंसर करना है। सो कुछ सीरियस वंस के साथ मैं शुरू करूंगा, क्योंकि आई एम द सीरियस वन इन द लॉट। सो फर्स्ट क्वेश्चन गोज टू यू, डिस्क्राइब योरसेल्फ एंड योर पर्सनालिटी इन 3 वर्ड्स। वाओ, स्वस्थ, व्यस्त और मस्त। Superb answer, full on. So first thing you do when you get up? अब ये थोड़ा boring answer है, देखिए लोगों को लगे इतनी discipline की बातें कर रहे हैं। मैं 1 लीटर गर्म पानी पीता हूँ, आंवला एलोवेरा का जूस पीता हूँ, और मेथी और अजवाइन की एक फाकी लेता हूँ। अच्छा, मुझे लगा आपकी आपकी जो हमारे पास पहुंच आई थी उससे मुझे लगा आप कहेंगे कि मैं सबसे पहले अपना चेहरा देखता हूँ। ग्रेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गोज, 5 थिंग्स यू ऑलवेज कैरी विद योरसेल्फ। क्या बोलूं अब मैं, मतलब मोबाइल तो साथ में रखते ही हैं, ठीक है, मेरा एटीट्यूड में मेरे साथ ले जाता हूँ, मेरा एप्टीट्यूड मेरे साथ रहता है, और मेरी डिसिप्लिन मेरे साथ रहती है, एंड मेरी एक हम्बलनेस है और मेरा हेल्पफुल एटीट्यूड है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, योर फेवरेट हीरो एंड हीरोइन। अमिताभ बच्चन तो है ही है, उसमें मतलब ये सबसे कॉमन आंसर है, एंड हीरोइन में माधुरी दीक्षित सर्टेनली। ओके ग्रेट क्वेश्चन, अगर आपके ऊपर एक बायोपिक बनाई जाए सो उसका टाइटल क्या होगा? Nuts and bolts. My pet name is Boltu. So nuts and bolts, I think will do well. Perfect, perfect. So last question of this one, your biggest fear in 1 word. At times, my financial indiscipline. Okay, that's your biggest fear. Wonderful. Yeah. I think a wonderful insight on your serious part. So over to you, Neelam, on the funny parts. Yeah. So you will answer me only of 1 word. Okay, Mr. Sandeep. So first question is, do you color your beard? Yes or no? Yes. Oh, that's very good. Love at first sight. Love at first sight. Okay. First celebrity or Bollywood crush? That was Juhi Chawla. But did you pamper your wife in lockdown? Not really. I pampered my wife by cooperating her in whatever she was doing. That was my pampering. But मैंने किचन में जाके कुछ नहीं बनाया. Do you cry? Oh, I do cry. I cry a lot. Okay. I love it. Okay. Where would you want to go if you are invisible? Where would you go if you are invisible? Okay. To a pub only. Okay. Next one is up. What is the one thing you can't live without? Okay. That is yoga. Okay. That's very good. Your biggest addiction? Nowadays, my mobile phone. Okay. Over to you, Boluji. So, अब जो भी क्वेश्चंस होंगे सारे स्टॉक रिलेटेड होंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन, योर फेवरेट स्टॉक?
ओके एचडीएफसी लिमिटेड या इन्वेस्ट इन एफडी और म्यूचुअल फंड इट शुड बी म्यूचुअल फंड्स एंड ईटीएफ दैट इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड सो वन हैज टू इन्वेस्ट इन द मार्केट्स पैसिवली एंड प्राइमरीली दैट इज मोर इंपॉर्टेंट not an active participation in the markets. Yeah. All right. So if you're investing in mutual fund, as you said, you should invest in mutual fund. So it should be SIP or lump sum. What do you suggest? It depends, but still SIP is one thing which I would say it's a good EMI. So one stock you would never sell. that is, I think that will be ITC. ITC Limited. Yeah. Yeah. So for any amateur person getting into stock market, what do you suggest, trade or invest? No, it has to be purely investing, and that too passively through mutual funds and ETF. That is a very important thing. Sorry, rapid fire hai, but ye answer is tarike se karna bahut zaruri hai aur ye bahut important message hai har students aur har beginners ke liye. So that's what you're saying, you should not buy stocks directly, but you should invest through stock mutual funds into stock market. Yes. Right. All right. So now getting on to fourth part of the show, over to you Dibiru. Deep ji, ab hum aapse teen last question puchhenge, which will be asked from each one of us. So pehla question mera, your biggest life lesson and your biggest entrepreneur lesson. It's always better to be a big fish in a small river than to be a small fish in a big river. Biggest lesson. तो वो मैं जयपुर जब आया तो ब्रोकिंग बिजनेस में मुझे ये पर्टिकुलर लेसन ने बहुत हेल्प किया. बॉम्बे रहता तो हो सकता है कि मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता या बाहर नहीं आता, बट यहाँ पे आई रियली गॉट अ वेरी गुड लाइमलाइट बिकॉज इट वॉज अ स्मॉलर सिटी इन टर्म्स ऑफ ब्रोकिंग. Superb answer. I think you have done, you have told both answers together. Wonderful, wonderful. Over to you, Neelam. Question, Mr. Sandeep. ऐसी कौन सी बात है जो कोई नहीं जानता, सिर्फ आप जानते हैं, यहां तक कि आपकी वाइफ भी नहीं जानती. बट मैं बता कैसे सकता हूं इस लाइव शो में. सर, दैट्स व्हाई दिस शो इज गोइंग ऑन. दैट इज आई थिंक माय फाइनेंशियल्स. ओके, माय फाइनेंशियल्स किसी को भी नहीं पता है और शायद मुझे भी ठीक से नहीं पता, वेरी फ्रैंकली. ओह माय गॉड, दैट्स फैंटास्टिक. ओवर टू यू मोनू. Before ending, we would again want you to give a big tip to everyone who is watching this show. So what is that one multi-bagger stock one should invest right now after this lockdown? Okay. Multi-bagger idea. Dekhiye, multi-bagger banana padta hai. But then I would certainly recommend a stock which is ITC. In fact, I talked about it. This is one stock which is correct. Which has corrected a lot, and in fact it has not performed. And kuch jo problems hai, wo hai regulatory issues, kyunki cigarette ke business mein hai, but then the company is well diversifying into FMCG products also. Aur multibagger idea ye hai ki invest in gold. Gold is G for gold. Gold mein invest karna chahiye. O for online. Online ab bhale aapka personal sare affairs ko online karna, या आपके बिजनेस को ऑनलाइन करना, या स्टॉक मार्केट में भी आओ तो इन्वेस्ट करना ऑनलाइन में. तो ऑनलाइन इज दी थिंग इन दिस कोविड काल. इस कोविड काल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सामने आई है वो है ऑनलाइन. और ऑनलाइन इज द न्यू नॉर्मल एज यू से इट. यस यस. एंड डी इज डॉलर डिविडेंड डिपॉजिट्स. इन सब पे बिल्कुल फोकस कर, क्योंकि डॉलर एक तरीके से वर्ल्ड की करेंसी है एंड डॉलर हमेशा मजबूत होता है. तो कहीं ना कहीं, दो वी कैन नॉट इन्वेस्ट इन डॉलर, बट वी कैन इन्वेस्ट इन यूएस और डॉलर डिनोमिनेटेड इक्विटीज थ्रू इंडियन म्यूचुअल फंड्स ओनली. वी आर इन्वेस्टिंग अब्रॉड. एंड डिविडेंड, स्टॉक मार्केट में डिविडेंड मिलता है, जैसे आईटीसी बताया तो अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी है. और डिपॉजिट्स, जो कि एफडी है, जो कि एक पोर्शन लोगों को बिल्कुल डिपॉजिट्स में रखना चाहिए, जो इस कोविड काल में बहुत अच्छे से मुझे समझ में आया कि गोल्ड और डिपॉजिट्स को मैं इतनी अहमियत नहीं देता था और अब मैं बिल्कुल देने लगा. Technically, what percentage would you say that it should be invested in FD? That's a very good question. In fact, you know, in sabka percentages hota hai. Gold, pehle main 5% bolta tha, but gold should be 10%. FD should be 10-15%. And then it depends on the age also. You have to, you know, 100 minus ek thumb rule chalta ki 100 minus your age.
उतना आप इक्विटीज में डालिए, रेस्ट आप एफडीज में डाल दीजिए, इवन डेट सिक्योरिटीज जैसे कि बैलेंस फंड भी होते हैं या लिक्विड फंड्स भी होते हैं या एफडीज होती है। एफडीज में एक टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है, बट एफडी के साथ एक एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई इनकी आप उसमें लगाते हो तो वो एक बहुत बड़ा एज है। सो ओवरऑल डिपॉजिट्स 10-15%, गोल्ड 10%, 10-15% गोल्ड काफी ऊपर आ गया तो इसलिए मैं 10 बोल रहा हूँ, बाकी आपके म्यूचुअल फंड्स एंड ETFs ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Superb, superb. Thank you so much. Thank you so much, Sandeep ji. That was one of the wonderful and insightful interviews. And आपसे बात करके कुछ बहुत अच्छा लगा, और हमारा मानना है कि आपकी इस जर्नी के बारे में और आपकी पर्सनैलिटी के बारे में जो हमने आज जाना वो हमारे दर्शकों के लिए बहुत बहुत लाभान्वित होगा। Thank you so much for coming here. Thank you. Thank you. Wonderful. मजा आ गया. Thank you. Thank you.